हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे स्क्विड के बारे में। अब ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में ऐसे भी पूछ लेते हैं कि विच आर द एप्लीकेशन ऑफ जोसेफसन जंक्शन। ये क्वेश्चन दो बार 7 मार्क्स में पूछा जा चुका है। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो स्क्विड समझने से पहले हम जोसेफसन जंक्शन और जोसेफसन इफेक्ट का क्विक रिविजन देख लेते हैं। तो जोसेफसन जंक्शन में हमने क्या देखा कि जब दो सुपर कंडक्टर जो है उसे एक पतली यानी कि थिन इंसुलेटिंग मटेरियल की लेयर से सेपरेट किया जाता है, तब ऐसे अरेंजमेंट को हम जोसेफसन जंक्शन बोलते हैं। यानी कि दो जो हमारे सुपर कंडक्टर है उनके बीच में हम क्या रख देंगे, एक इंसुलेटिंग मटेरियल की थिन लेयर। नैनोमीटर के टर्म में अगर हम रख देते हैं थिन लेयर इंसुलेटिंग मटेरियल की, तो उसे हम जोसेफसन जंक्शन बोलेंगे। और जब करंट फर्स्ट सुपर कंडक्टर में से सेकंड सुपर कंडक्टर में ये जो हमारी इंसुलेटिंग मटेरियल की लेयर है उसमें से पास करता है, तब उसे हम जोसेफसन इफेक्ट बोलते हैं। और जब जोसेफसन इफेक्ट होती है तब इसके पैरेलल में जो हम वोल्ट मीटर लगाते हैं वो हमेशा जीरो रीडिंग बताता है। क्यों? क्योंकि हमें पता है सुपर कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो जीरो के बराबर होता है, यानी करंट हमेशा लो रेजिस्टिव पाथ पे से ही फ्लो होगा। यानी कि करंट यहां से अब यहां नहीं जा पाएगा। क्यों? यहां पे लो रेजिस्टिव पाथ है तो ऐसे करके फ्लो कर जाएगा, जिसकी वजह से यहां कुछ करंट नहीं जाएगा, जिसकी वजह से ये वोल्ट मीटर हमें जीरो रीडिंग बताएगा। तो ये एक बातें थी जोसेफसन जंक्शन और जोसेफसन इफेक्ट की। अब हम स्क्विड के बारे में देख लेते हैं। उसका कंस्ट्रक्शन जो है वो कुछ कुछ इसके जैसा ही है। इसमें हमने दो सुपर कंडक्टर लिए थे, तो स्क्विड में भी हम दो ही सुपर कंडक्टर लेंगे, लेकिन जो शेप होगा वो थोड़ा अलग होगा। यहां पे कैसा शेप है, यहां पे ऐसे हाफ सर्कल जैसा शेप है, और दोनों जो हमारे सुपर कंडक्टर है उसे हमने थिन इंसुलेटिंग मटेरियल की लेयर से कनेक्ट किया है। यानी कि ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया जोसेफसन जंक्शन। ठीक है, अब ये दोनों सुपर कंडक्टर का भी रेजिस्टेंस जीरो है। क्यों? क्योंकि वो सुपर कंडक्टर है। अब ये सुपर कंडक्टर जो दोनों है उनसे भी हमने वी वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट किया है, इसके जैसे ही। ठीक है, अच्छा, इसमें से भी जब हम करंट फ्लो कराएंगे तब क्या होगा, यहां पे लो रेजिस्टिव पाथ है, यानी कि करंट यहां से फ्लो होके निकल जाएगा, यहां पे कुछ करंट जाने वाला नहीं है, जिसकी वजह से वापस ये जो हमारा वोल्ट मीटर है वो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस टू एंड कितना बताएगा, जीरो बताएगा। ठीक है, अब ये तो थी कंस्ट्रक्शन की बातें। अब क्वेश्चन आएगा कि इसका एप्लीकेशन क्या है। तो इसका एप्लीकेशन ये है कि ये बहुत ही कम मैग्नेटिक फील्ड मेजर करने में यूज करते हैं। इसका अप टू 10^-21 टेस्ला जितनी कम मैग्नेटिक फील्ड को भी ये इंस्ट्रूमेंट मेजर कर सकती है, इसलिए हम इसे मैग्नेटोमीटर भी बोल सकते हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड मेजर करती है। अभी जो स्क्विड है उसका फुल फॉर्म क्या होता है, वो होता है सुपर कंडक्टिंग क्वांटम इंटरफेरेंस डिवाइस। सबके इनिशियल्स ले लिए हमने और नाम बना दिया स्क्विड। अच्छा, अब क्वेश्चन आएगा कि ये इंस्ट्रूमेंट से हम मैग्नेटिक फील्ड कैसे मेजर कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो हमारा स्क्विड है उसे हम एक मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे। ये रही मैग्नेटिक फील्ड जिसकी वैल्यू हमें मेजर करनी है ये स्क्विड का यूज करके। तो हम कैसे मेजर करेंगे देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये पूरा का पूरा जो हमारा स्क्विड है उसे हम मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे। फिर हम क्या करेंगे, करंट फ्लो कराना शुरू करेंगे, यानी कि करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा करंट हो गया आई करंट। ठीक है, अब क्या होगा कि हमें पता है मिसनर इफेक्ट। मिसनर इफेक्ट में हमने क्या पढ़ा था कि सुपर कंडक्टर जो है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करता है, यानी कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अपने अंदर से पास नहीं होने देता। तो जिस मैग्नेटिक फील्ड में हमने ये सुपर कंडक्टर को रखा है वो सुपर कंडक्टर वो मैग्नेटिक फील्ड का अपोज करेगा, यानी खुद में से पास नहीं होने देगा। ठीक है, अच्छा, लेकिन हमें यह भी पता है अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ क्या, कि ये मैग्नेटिक फील्ड जो हमें मेजर करनी है उसके कारण सुपर कंडक्टर के अंदर भी एक करंट इंड्यूस्ड होगा। लेंस लॉ BEE में ये सारी कहानी देखी थी, डिटेल में नहीं जाएंगे, यहां पे सिर्फ इतना ही लिखेंगे क्या कि
ड्यू टू दिस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जिसका वैल्यू हमें मेजर करना है, उसकी वजह से ये जो हमारा स्क्विड है उसके अंदर एक करंट इंड्यूस्ड होगा, और करंट जो इंड्यूस्ड हुआ उसका डायरेक्शन हमेशा हमारा ये जो ओरिजिनल करंट है उसके ऑपोजिट में होगा। सपोज आई डैश करंट इंड्यूस्ड हो गया ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, ठीक। अच्छा, अब ये जो हमारा ओरिजिनल करंट है उसको अब ये इंड्यूस्ड करंट ऑपोज करेगा। ये इंड्यूस्ड करंट कैसे आया, मैग्नेटिक फील्ड में रखा, कौन सी मैग्नेटिक फील्ड, जिसका वैल्यू हमें मेजर करना है टेस्ला में, ठीक है। यानी कि अब ये करंट इसके अंदर ऑपोज होना शुरू हो गया है, यानी ये जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है उसके अंदर कुछ रेजिस्टेंस बन रहा है। पहले रेजिस्टेंस कितना था, जीरो के बराबर, जब हम कोई मैग्नेटिक फील्ड दे नहीं रहे थे। यहां पे मैग्नेटिक फील्ड दे दी जिसके वजह से एक करंट इंड्यूस्ड हुआ, ये इंड्यूस्ड करंट ये ओरिजिनल करंट का ऑपोज करेगा, ऑपोज करेगा यानी कि अब इसका रेजिस्टेंस जो है कुछ होगा, जीरो के बराबर नहीं होगा। जिससे करके पहले क्या होता था, जीरो रेजिस्टेंस की वजह से सारा करंट इसमें से फ्लो कर जाता था, ये जीरो रीडिंग बताता था। लेकिन यहां पे क्या होगा, कुछ रेजिस्टेंस मिलेगा, करंट का ऑपोज होगा, इसका मतलब कुछ करंट अब वोल्ट मीटर में से भी पास होगा, वोल्ट मीटर भी कुछ रीडिंग बताएगा जो जीरो के बराबर नहीं होगा, ठीक है। अब सपोज करते हैं ये 5 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। अब वोल्ट मीटर में से कुछ करंट गया, उसने 2 वोल्ट रीडिंग बताया, यानी 2 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप मिला हमें अक्रॉस दिस 2 एंड। अब जो भी पोटेंशियल ड्रॉप हमें मिला इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, वो जो हमारा पोटेंशियल ड्रॉप है उसकी हेल्प से हम जो भी मैग्नेटिक फील्ड दे रहे हैं उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये सारा था वर्किंग के बारे में। अब इसका एप्लीकेशन देख लेते हैं। एप्लीकेशन क्या है, इट कैन मेजर वेरी स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड अप टू 10^-21 टेस्ला। दूसरा क्या है, इट इज यूज्ड टू मेजर वीक बायोलॉजिकल करंट लाइक ह्यूमन ब्रेन। अब ये वीक बायोलॉजिकल करंट यानी क्या, तो हमें पता है कि जब हम कोई भी ठंडी या गर्म चीज को छूते हैं तब क्या होता है, हमारे बॉडी में से एक सिग्नल ब्रेन तक जाता है, ब्रेन वो सिग्नल को समझता है और वापस एक सिग्नल देता है जिससे करके हम वो चीज को छोड़ देते हैं, ठीक है। यानी हमारी बॉडी में करंट पास होता है एट अ लाइट स्पीड, जिसे हम बायोलॉजिकल करंट बोलते हैं, ठीक है। यानी बायोलॉजिकल करंट क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा जो ये मैग्नेटिक फील्ड मेजर करेगा। किसी के ब्रेन के अंदर अगर सिग्नल की स्पीड कम होगी, यानी बायोलॉजिकल करंट की स्पीड कम होगी, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड कम बनेगा जो ये मेजर करके दे देगा। तो हमें समझ में आ जाएगा कि इसका जो बायोलॉजिकल करंट की स्पीड है वो कम है, ठीक है। अच्छा, लास्ट क्या है, इट कैन मेजर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। अब हमें पता है अर्थ के पास नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं, जिसकी वजह से अर्थ का कुछ मैग्नेटिक फील्ड है और अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को ये स्पीड मेजर कर सकता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। सो टिल देन, रीड हार्ड, वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।